नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब 18 तारीख कुछ ही दिनों के बाद यानी आने वाली है, 25 की बात करें या फिर बात करें अगले तीसरे चरण की बात करें, लगातार प्रत्याशी आम जनता तक पहुंच रहे, जनसंपर्क कर रहे हैं और जिन जिन को टिकट मिली है वो खुशी है और कहीं पर कोई मतभेद यानी कि नज़र आ रहे हैं आपसी, कहीं नाराज़गी और कहीं खुशी है। और हमारा भी कर्तव्य है कि जो जो कंटेस्टेंट इस समय जिन्हें पार्टी ने जिन पर अपना विश्वास जताया, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, उनसे जानकारी लेना बड़ा ही ज़रूरी है कि किस तरह से, किस सोच के साथ वो इस मैदानी चुनावी रणभूमि उतरे हैं, आने वाले समय में किस तरह से वो जनता की समस्याओं का हल करेंगे। इस समय हमारे साथ जम्मू वेस्ट के भाजपा के प्रत्याशी अरविंद गुप्ता, चलिए इनसे जानते हैं। पार्टी ने इन पर बड़ा विश्वास जताया, कई जगहों पर विरोध भी देखने को मिले आपने, पर अल्टीमेटली पार्टी हाईकमान का जो फैसला होता है तो वही पार्टी के सदस्यों को या वर्कर्स को या नेताओं को मानना ही पड़ता है। अरविंद जी को जम्मू वेस्ट से प्रत्याशी उतारा, चलिए अरविंद जी से जानते हैं किस सोच के साथ ये आए और पार्टी ने जो इन पर विश्वास जताया और जनता किस तरह से इन पर अपना विश्वास जताएगी आने वाले पोलिंग के समय। अरविंद जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद रश्मि जी, आपके चैनल की तरफ से आप आए, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपने देखा कि जम्मू वेस्ट का मैंडेट पार्टी ने मेरे को दिया। मैं आप काफ़ी देर से भारतीय जनता पार्टी को कवर कर रहे हैं, आप मेरे को काफ़ी देर से जानते भी हैं। मैंने पार्टी के डिफरेंट पदों पे काम किया। मैं नरेंद्र भाई मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। इस गोल्डन एरा में मेरे को एक मौका मिला कि मैं उनके कार्यकर्ता के रूप में तो काम करता था, उनकी टीम में भी एक लोगों के बीच में जाके काम करूं। मैं उसके लिए अपनी पार्टी का और सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं। मेरे को एक मौका मिला, मैं लोगों के बीच में जाऊंगा, लोगों का भरपूर प्यार भी मिल रहा है। उसमें काफ़ी सारे मैंने कॉन्स्टिट्यूएंसी में पिछले 10 दिन से घूम रहा हूं, कम से कम 125-30 बैठकें मैंने कर ली हैं। लोगों के जो छोटे छोटे मुद्दे थे वो ध्यान में आए, लोगों के इश्यूज तो हैं लेकिन मैं थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम वाइडर विज़न से क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं उसमें मैं लोगों का पूरा पार्टिसिपेशन चाहता हूँ। मैं अपने आइडियाज़ तो ले बताऊँगा लेकिन मैं लोगों की पार्टिसिपेशन चाहता हूँ कि हर वार्ड से लोगों की एक छोटी छोटी टीम बन के अपने वार्ड का तो वो सोचें लेकिन अपने वार्ड से बाहर निकल के लोगों का, पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का हम सोचें। वैसे तो मैं थोड़े दिन पहले वहाँ पे गया हुआ था, अपना इंदौर गया हुआ था, इंदौर सिटी देखी मैंने, क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया है, मेरे को अच्छा लगा। हम क्यों ना हम जम्मू को भी वैसा ही बनाएं। और एक मेरा एक पॉइंट आया, मैं लोगों के बीच में था, जो RR लैब है हमारी रिसर्च लेबोरेटरी, वहाँ पे जो पॉन्ड है वो एक गंदगी का ढेर बना हुआ है। मैं उसको, उस मैटर को काफ़ी देर से वो चल रहा था, उसको पुट ऑफ करूँगा कि वो शाम को एक हार्ट ऑफ द सिटी वो जगह है, यहाँ पे लोग हमारे जम्मू के, अभी जैसे आपने रिवर फ्रंट बनने को काफ़ी देर से चल रहा है, अभी जम्मू में कोई ऐसा पॉइंट नहीं है, वो लेबोरेटरी जो वहाँ पे जो पॉन्ड है वो गंद का ढेर बना हुआ है। मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे एक छोटी सी आर्टिफिशियल लेक हो, बोटिंग हो और हमारे बच्चों को शाम को कोई घूमने की जगह मिले। और आपने देखा होगा कि थोड़ा सा पिछले 2-3-4 सालों से ड्रग्स का बड़ा प्रचलन चल रहा है जम्मू कश्मीर, और मैं यूथ के साथ हार्डली कंसर्न हूँ कि यूथ हमारा जो है इस तरफ ना जाए, उसके यूथ को हम ऐसा कुछ प्लान करें अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में से, यूथ ड्रग्स के तरफ अट्रैक्ट ना होके कोई गेम्स की तरफ, ऐसा हम करें, ऐसे प्रोविज़न बनाएं कि वैसे करें। लेकिन जिन चीज़ों पे मैंने काफ़ी देर से इस चीज़ों को नोटिस भी किया है लेकिन फिर भी इसके पीछे एक बॉर्डर पार से जो ड्रग्स वगैरह का आता है लेकिन लोकल कोई हमारे यहाँ पे हैं तभी ये यहाँ पे आदान प्रदान होता है। इन चीज़ों को भी हम सभी लोग जम्मू में, सिर्फ अरविंद गुप्ता अकेला नहीं, हम जितने भी जम्मू सिटी से जो लोग जीत के आएंगे, जम्मू सिटी को स्मार्ट सिटी तो हम बना रहे हैं, स्मार्ट सिटी के आने के बाद भी जम्मू में हम क्या क्या डेवलपमेंट्स कर सकते हैं अपने यूथ के लिए, अपने स्टेडियम्स को कैसे डेवलप कर सकते हैं, अपने यूथ का ड्रग्स का हम रिहैबिलिटेशन सेंटर कैसे बना सकते हैं कि यूथ हमारा इन्वॉल्व हो गया है, उसको हम कैसे बाहर निकाल सकते हैं इन चीज़ों से, इसकी सबसे बड़ी चिंता है। क्योंकि यूथ जो है, आने वाला भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा युवा है, तो और हम युवा को, पीढ़ी को अगर गलत रास्ते में अगर भटक जाएगी तो हमारा उनको ठीक करके अच्छे रास्ते पे लाना भी हमारा काम है। अरविंद जी, हमने मोस्टली देखा है भारतीय जनता पार्टी या किसी पार्टी की बात करें तो हर कोई स्ट्रीम लाइन में रहता है, लाइम लाइट में रहता है। हमने कभी आपको नहीं देखा कि आप, हमने भारतीय जनता पार्टी में हमेशा आपको देखा ऑफिस में, त्रिकुटा नगर में बैठे हुए देखा, काम करते हुए देखा, कभी आप मीडिया में नहीं, कभी हमने देखा नहीं। उसमें क्या था, पार्टी ने मेरे को संगठन के तौर पर, मैं काम करता था,
मेरी पार्टिसिपेशन थी, मैं हमेशा वार रूम में काम किया, मैंने पिछले 10-12 इलेक्शन लड़ाए वार रूम में, पार्टी ने मेरे को बड़ी 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 रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी। कभी सोचा नहीं था जो लड़वा रहे हैं आज खुद लड़ेंगे। देखो हर कार्यकर्ता का जो मन है, एक भाजपा ही है जिसमें ऐसा होता है, अदरवाइज बाकी पार्टियों में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप कार्यकर्ता को, भारतीय जनता पार्टी में ऐसा है कि बूथ लेवल का व्यक्ति ही प्रदेश का अध्यक्ष बन सकता है और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकता है। ये कल्चर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में है, जो सभी का साथ, सभी का विश्वास, सभी का प्रयास, सभी का विकास लेके चलते हैं, इसलिए भाजपा में ही ये चीज़ है। मैंने भी काफ़ी देर, आपने देखा होगा कि 2 साल मैं अपने प्रेजिडेंट ऑफिस का इंचार्ज रहा, लोगों के साथ इंट्रैक्शन थी, लेकिन जब मेरा मीडिया में और मैंने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में, यहाँ पर मैंने ऑफिस भी 3 साल से खोला हुआ था, लोगों के साथ इंट्रैक्शन थी, लोगों के जो छोटे छोटे काम मसाइल्स होते थे मैं कोशिश करता था उनको दूर करने की, लेकिन मैं मीडिया के साथ इतना इंट्रैक्शन नहीं रहा। कोविड के दौरान काफ़ी हमने काम किए लोगों के बीच में। अभी रिसेंटली मैं अपना प्रभारी था रियासी डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ पे मैंने DDC के चुनाव 2020 में जब चुनाव हुए तो सभी लोग बोलते थे कि DDC वहाँ पे हमारी बन नहीं पाएगी, हमने DDC बनाई और वहाँ पे एज ए प्रभारी के रूप में संगठन के तौर पे जो मेरे को काम दिए थे मैंने किए और प्रयास किया कि जैसे ही मैं संगठन के कामों में खरा उतरा हूँ, लोगों के बीच में रह के भी अरविंद गुप्ता लोगों से जीत के बीच में जाएगा और जो उनके मिसाइल होंगे, जो उनके काम होंगे, वो पूरा खरा उतरेगा उसमें और लोगों के काम करेगा। इस बार ये कहा गया था कि बदलाव ज़रूर होना चाहिए, पुराने चेहरे रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए, या युवाओं को मौका देना, आप भी तो युवाओं में आते तो मौका देना चाहिए, तो वो पार्टी ने देखा भी, पर कहीं पर आपने देखा अरविंद जी आप ही की ऑफिस में पार्टी हेडक्वार्टर में मतभेद दिखे, ये मनभेद नहीं होने चाहिए, पर वहाँ पर लोगों ने कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन भी किए कि इस बार जो टिकट है वो कहीं ना कहीं अलग तरीके से दी गई है, या तो पैराशूट के माध्यम से या फिर कहीं ना कहीं यानी कि लेन देन के कुछ तरीकों से टिकट दी गई, ऐसा क्यों? रश्मि जी आप काफ़ी देर से भाजपा को कवर कर रहे हैं, आपको सारी चीज़ें ध्यान में होंगी। जब टिकट के लिए काफ़ी सारे दावेदार होते हैं, काफ़ी देर के बाद 10 साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं, सभी लोगों के मन में था कि हमें टिकट मिले, पार्टी ने टिकट किसी एक व्यक्ति को देनी होती है। जब लास्ट में फाइनल हुआ, अरविंद गुप्ता का नाम आया, पार्टी ने मेरे को मैंडेट दिया, जो हम इससे पहले विधायक थे सत शर्मा जी, वो मेरे बड़े भाई हैं, मैं उन्हीं का लगाया हुआ पेड़ हूँ, उन्हीं के जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे मैं सहकोषाध्यक्ष था, और उन्होंने ही मेरे को वर्किंग पार्टी में कैसे वर्किंग करनी चाहिए, कैसे उन्होंने मेरे को आगे बढ़ने का मौका दिया, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और वो मेरे से नाराज़ नहीं है, उन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया, अरविंद मेरा आशीर्वाद है आप लोगों के बीच में जाओ, देना ही पड़ेगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, देना पड़ेगा, उन्होंने दिल से आशीर्वाद दिया और लोगों को वो बोला कि मेरा छोटा भाई आया है, वो मेरे बड़े भाई की तरह है, मैं सबसे पहले उनसे आशीर्वाद लेके, जितने भी लोग थे पार्टी के। देखो एक क्या होता है कि जब किसी एक व्यक्ति को मिलती है जो बाकी दौड़ में होते हैं थोड़ा सा 1-2 दिन, लेकिन भाजपा एक इतना बड़ा संगठन है, संगठन के रूप में काम करते हैं, जब फिर 1-2 दिन के बाद सभी नाराजगियाँ दूर हो जाती हैं, ऐसा कुछ आपस में कोई है नहीं है मनमुटाव वाली, कोई परिवार की तरह हम जैसे भाई आपस में है, तो शादी होती है किसी के घर में तो कोई कभी चाचा नाराज है, कभी बुआ नाराज है, ऐसे ही हमारा संगठन है, एक परिवार है, सब हम इकट्ठे मिलके, जिस दिन 9 तारीख को मेरी नॉमिनेशन फाइल होनी है, आप उस दिन देखोगे एक ही प्लेटफॉर्म में सभी लोग आपको सारे नजर आएंगे, भले जितने मर्जी मतभेद हो, कोई मतभेद नहीं है, मतभेद हो वो निकल जाते हैं, मनभेद नहीं होना चाहिए रश्मि जी। बिल्कुल वही हम भी कहते हैं, मनभेद नहीं हो जाए। तो क्या लगता है आपको कि जनता हमारी, जो जम्मू वेस्ट की जनता है, क्योंकि लोग देखिए हम अपनी व्यक्तिगत कोई राय नहीं रख सकते, हम जनता की बात ही जनता तक रखते हैं, या एडमिनिस्ट्रेशन तक, आला कमान तक, या पार्टी के हाई कमान तक रखते हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जिस तरह से यहाँ पे और भी कैंडिडेट थे जो डिजर्विंग थे, पर पार्टी हाई कमान ने अरविंद गुप्ता जी पर विश्वास जताया, क्या लगता है वो सब लोग जो इस समय कहीं ना कहीं अंदर नाराज होंगे, क्या सपोर्ट करेंगे आप लोग आने वाले जो अभी रिजल्ट? अभी जब टिकट अनाउंस हुआ था थोड़ी सी नाराज़गी उस टाइम हो सकती है, लेकिन आज की डेट में सभी अरविंद गुप्ता के साथ चल रहे हैं, अरविंद गुप्ता का परिवार है, परिवार बड़ा हो, नाराज़गी तो वहीं होगी ना जहाँ परिवार बड़ा होगा, तो कंपटीशन भी वहाँ पे होगा, कंपटीशन जब जहाँ पे कंपटीशन होगा वहाँ पे लोगों की डेवलपमेंट होगी, हेल्दी कंपटीशन था, ठीक है कंपटीशन में आ गया, तो सबके पास एक्सेप्टेबिलिटी है। आज आपको कल किसी और को आज मेरे को पार्टी ने मौका दिया है, पार्टी ने अगर देखा है कि अरविंद गुप्ता ने संगठन में अच्छा काम किया है, और आपको लगेगा रश्मि जी आप ही मेरा
जीतने के बाद इंटरव्यू लेने आएंगी और आप बताएंगी कि आप पब्लिक की क्या वो हैं, पब्लिक आपको बताएगी कि अरविंद गुप्ता मैं जीत के आऊँगा, लोगों के बीच में आऊँगा और लोगों के बीच में रह के 5 साल काम करूँगा, किसी को शिकायत का मौका नहीं दूंगा। काम की तो पहचान, काम की ही पहचान होगी अरविंद गुप्ता, आपने काम से ही जाना जाएगा। मैं एक छोटा सा अपना बताता हूँ कि मेरे परिवार में मेरे फादर थे, उनकी डेथ हुए, उन्हीं की ब्लेसिंग्स हैं मैं यहाँ पे हूँ। 2013 में उनकी डेथ होगी, जब वो जॉब में थे, रिक्रूटमेंट बोर्ड में थे, तो उनके पास वहाँ पे जम्मू में जो लोग थे अपने यहाँ पे एरियाज़ के, अपने वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के जो पढ़े लिखे लोग थे, उनके घरों में जाते थे, बच्चे आपने नौकरी करनी है, तो वहाँ पे उस टाइम सिस्टम था कि वहाँ पे नौकरी लगवा सकते थे। आजकल तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वगैरह, कल एक लेडी मेरे यहाँ ऑफिस से बाहर से जा रही थी, तो 65 एज होगी, मैंने उनके पहुँच हुए, उन्होंने कहा बेटे ये आप जो मैं खा रही हूँ आपके पापा का, वो मेरे पापा का नहीं खा रही, उनका मतलब था कि जो मेरे पापा ने तेरी नौकरी लगवाई थी, जो मेरे पापा ने अपने पावर के टाइम में, मैं बाऊजी बोलता हूँ, उन्होंने काम किए, लोगों की सेवा की, मैं उसका नतीजा है, और मैं भी जो लोग आज मैं पापा फादर की वजह से अपने जाना जाता हूँ, अपने बाऊजी की वजह से मेरी, मैं भी वैसी ही पहचान बनाऊँगा कि जब मेरे को मौका मिलेगा मैं भी वैसे ही लोगों के बीच में जाके काम करूँगा। मैं आपसे रश्मि ये वादा करता हूँ और जम्मू वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को वादा करता हूँ, मैं सभी को साथ लेके किसी एक व्यक्ति का ना बन के पूरे जम्मू वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी का लोगों का बन के रहूँ। आखिरी और बड़ा कड़वा सवाल है अरविंद जी, आपको पता हम सवाल हमारा करना जायज़ भी है क्योंकि जनता का सवाल है, कि जिस तरह से अभी जो इलेक्शन में कंटेस्टेंट्स को टिकट्स मिली है, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, चाहे भाजपा की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे एनसी की हो, चाहे पीडीपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी की हो, अभी जनता के साथ सारे अच्छी तरह से रूबरू होंगे, उनसे बात करेंगे, उन्हें तसल्ली देंगे, पर ये ना हो जब जीत, अगर जनता आपको जीत दिलाती है तो कल को आपसे, आप तक पहुंचने के लिए घंटों घंटों ने लाइन में लगना पड़े, घंटों घंटों आपके पीए के साथ, ये आपके लिए, आप तो अभी फिलहाल पहली बार आए, मेरा कर्तव्य सवाल करना कि घंटों घंटों जो जहां पर आज आप वेलकम कर रहे हैं तुरंत आप कहते हैं अंदर आइए, कल को आपके पीए से उन्हें अपॉइंटमेंट लेनी पड़े और दो दो दिन, एक एक दिन घंटों घंटों वेट करना पड़े, क्योंकि सारी चीज़ें ये होता कि जब पावर आ जाती है, जब इंसान अपने मकसद में काम जो हो जाता है, जनता उन्हें कुर्सी पर बिठा देती, तो कई बार हमने ऐसे लोगों को देखा हो उनकी नज़र और नीयत बदलते हो। रश्मि जी आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, लेकिन मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं, मैं संगठन से निकला हुआ व्यक्ति हूं, 10 सालों में क्या इन आउट्स हुए हैं पार्टी के अंदर मैं जानता हूं, मेरे को सब चीज़ें ध्यान में हैं, हमने कहां पे क्या हमारे से कमियां रही क्या है, मैं पब्लिक के बीच में एज ए सेवक बन के रहूँगा, आपका सेवादार बन के रहूँगा, कभी भी कोई पीए नहीं है, मैं अपना फ़ोन खुद उठाता हूँ, 90% कोशिश करता हूँ कि मैं अपना फ़ोन खुद उठाऊँ, मेरा एक ही नंबर है 9419187131, उसके बाद भी एक ही नंबर रहेगा, कभी आपको ये नहीं लगेगा रश्मि जी कि आपको अरविंद को दूसरा नंबर चाहिए, कोई पीए नहीं, कोई नहीं, कोई भी डायरेक्टली आपका परिवार का हिस्सा हूँ, आप लोगों में से हूँ, मेरी प्रायोरिटीज़ जो रहेंगी, मेरा यूथ रहेगा, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की डेवलपमेंट रहेगी, मेरी मातृशक्ति रहेगी, मैं सभी को साथ मिलकर, कभी कभी ऐसी शिकायत नहीं आएगी, अगर आएगी तो रश्मि जी आप बैठे हुए हैं, आप लोग बैठे हुए हैं, आप मीडिया 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 एक ऐसा सोर्स है कि अगर अगर अरविंद गुप्ता अच्छा काम करेगा तो उसका इनाम भी अरविंद गुप्ता को देंगे, अगर नहीं करेगा तो आप ही मीडिया को बताएंगे कि अरविंद, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि लोगों के बीच में जाके लोगों का बन के ही रहूं और लोगों के बीच में ही रहूं, ये मेरी प्रायोरिटीज रहेंगी, और मेरा कोई किसी को वेट करने के नहीं है, हमेशा एक्सेसिबल रहूंगा और अभी भी था, आगे भी रहूंगा और हमेशा रहूंगा। अपनी वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी की जितनी भी हमारी जनता है, बुजुर्ग हैं, युवा हैं, युवतियाँ हैं, हमारी महिलाएँ हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनसे आप क्या मैसेज देंगे? आप जितने भी हमारे यूथ है, यूथ के लिए मैं कहता हूँ कि आने वाले टाइम में जो वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, यूथ के लिए मैं ऐसी डेवलपमेंट करूँगा कि जो हमारा यूथ आगे पीछे डाइवर्ट हो रहा है, कोई ड्रग्स में इन्वॉल्व हो रहा है, आगे पीछे जाता है, उसके लिए मैं स्पोर्ट्स का बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो स्टेडियम्स हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा, एक मैंने आपको बोला कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो रिसर्च लेबॉर्टरी में वो पांड है, उसको भी हम टेकअप करेंगे इस इशू को, बाकी बिजली पानी और सड़कों का जो इशू है वो उसको भी हम डेवलपमेंट में हिस्सा बनाएंगे, लेकिन मेरा जो सबसे बेस्ट पार्ट रहेगा, मैंने जितने भी हमारे 15 वार्ड और 2.5 पंचायतें आती हैं, मैं एक सभी वार्डों से और पंचायतों से एक छोटी छोटी 3-3, 4-4 लोगों की टीम बना के, सभी का एक कंसेंट बना के, आपस में हम कॉन्स्टिट्यूएंसी को कैसे डेवलप करें, अपनी जो बेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको बेस्ट कैसे बनाएं, उसके लिए मैं काम करूंगा, और लेकिन सभी से मैं कहता हूं कि आप अपनी प्रायोरिटीज़ आपकी वार्ड के लिए हों, लेकिन प्रायोरिटीज़ फिक्स करनी होगी कि आपको कौन सा पहले काम करना है, लेकिन आपको
वार्डों से बाहर आके अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नया कुछ क्या करना है, उसके लिए हम जीतने के बाद टीम बना के उसके लिए हम काम करेंगे। अशोक कुमार एक लास्ट सवाल लेते, कुमार अशोक जी कह रहे हैं कि सत शर्मा जी की तरह आप गायब मत हो जाना। अशोक जी आपके सामने हमने लाइव इनसे कन्वर्सेशन की है जो आप तक पहुंची और हमेशा रहेगी, कभी भी आज से 4 साल बाद 5 साल बाद आप निकाल सकते हैं। कहीं भी अगर आपको ऐसा लगेगा तो आपको लगता है हम निष्पक्षता से अपनी पत्रकारिता करते हैं, हम उसी लाइव में यही लाइव का दिखाकर हवाला देके अरविंद गुप्ता जी से ज़रूर पूछेंगे आपके वायदे कहाँ गए। पर जिस तरह से इन्होंने आश्वासन दिया है, एक पढ़े लिखे युवा हैं और राजनीति को भली भांति समझते हैं, 10 साल से संगठन के साथ जुड़े हैं, कुछ ना कुछ तो होगा जो संगठन ने अरविंद गुप्ता जी के ऊपर अपना विश्वास जताया। अब देखना यह कि अरविंद गुप्ता जी पर जनता किस तरह से विश्वास जताती है। जिस तरह से इन्होंने कहा है कि हम एक बेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाने का प्रयास करेंगे, युवाओं के लिए ऐसे जो प्रावधान बनाएंगे ताकि हमारी जो युवा पीढ़ी है नशे की तरफ जा रही है उनकी जो टेंशन है डाइवर्ट हो अच्छे कामों की तरफ हो। चलिए, कोशिश करने वालों की कहते कभी हार नहीं होती। अगर ऐसे नेता हैं जो एक कदम बढ़ाएंगे तो जनता ज़रूर 10 कदम इनकी ओर बढ़ाएगी। चलिए, कुछ ही दिन रह गए हैं, वोट अपना ज़रूर कास्ट कीजिएगा। हम कहेंगे एक लोकतंत्र का पर्व है, इसमें हर एक की भागीदारी बड़ी ही ज़रूरी है, अपनी मर्जी आपकी, जहाँ पर भी आप वोट डालें। इसीलिए हम हर नेता का इंटरव्यू करते हैं ताकि उनकी किस तरह की मानसिकता है, क्या सोच रखते हैं अपने लोगों के लिए, जिस भी विधानसभा क्षेत्र से वो यानी कि लड़ेंगे। तो इसीलिए हर नेता से हम बात करेंगे, क्या सोच लेकर आएंगे वो जनता, अब देखना कि जनता किस तरह से जम्मू वेस्ट की जनता अरविंद गुप्ता जी पर अपना विश्वास जताती है। और अरविंद जी ने साफ तौर पर कहा कि अगर मैं जीत जाता हूं, जनता अपना विश्वास जताती है, तो किसी को भी मेरे दरवाजे के बाहर इंतजार नहीं करना पड़ेगा, मेरा फोन कोई मेरा पीए नहीं उठाएगा, बल्कि 24/7 मैं जनता के लिए अवेलेबल रहूंगा। फिलहाल आपका क्या कहना है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और अगर आपकी भी कोई क्वेरी है तो जरूर हमें कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट टाइम जब भी हम इंटरव्यू करेंगे अरविंद गुप्ता जी से, जरूर आपके सवाल का जवाब इनसे लेंगे। फिलहाल इस वीडियो में कमेंट भी दीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।